होपमैन लोपलर फ्रेटेज रिएक्शन। देखो होपमैन लोपलर फ्रेटेज रिएक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि होपमैन लोपलर फ्रेटेज रिएक्शन क्या होती है, क्या इसके लिए रिएक्टेंट होगा, क्या इसके लिए प्रोडक्ट होगा, क्या कंडीशन होगी, किस किस टाइप के वेरिएशन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखो कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, इन सबको भी यहाँ पर हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि होपमैन लोपलर फ्रेटेज रिएक्शन एक्चुअली होते क्या है। देखो ध्यान देना, सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो रिएक्शन है वो थर्मल कंडीशन में भी होती है और ये रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में भी होती है। इस रिएक्शन के दौरान हम प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स को ट्रीट करते हैं। ध्यान देना, प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स को ट्रीट करते हैं थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में, जिससे पिरोलिडिन हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है? पिरोलिडिन। तो देख सबसे पहले तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे अपन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, देखो थर्मल और फोटोलाइटिक कन्वर्जन ऑफ प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स इनटू पिरोलिडिन्स कॉल्ड होपमैन लोपलर फ्रेटेज रिएक्शन। समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या लिखा। देखो थर्मल और फोटोलाइटिक कन्वर्जन ऑफ प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स इनटू पिरोलिडिन्स कॉल्ड होपमैन लोपलर फ्रेटेज रिएक्शन। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे केसेज लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनमें से डायरेक्ट मैं फर्स्ट केस यहाँ पर आपको लेकर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट केस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सीधा ही, जो फर्स्ट केस यहाँ पर दे रखा है। देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर होगा और इसकी मैकेनिज्म अपन लिखेंगे। मैकेनिज्म के बेसिस पर कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर Cl और यहाँ पर R। देखो अब ये हेलो अमीन्स है, यहाँ पर हेलो अमीन्स की बात नहीं करी अपने, प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स की बात करी। तो कहने का मतलब ये जो हेलो अमीन्स है इसका सबसे पहले तो अपन को प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। इसके प्रोटोनेशन के लिए हमको सबसे पहले इसको एसिड से ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई भाई हेलो अमीन्स भी कौन सी है। देखो नाइट्रोजन पर हेलोजन है हेलो अमीन, ठीक है ना। इसको सबसे पहले देखो यहाँ पर कंडीशन आपको क्या दे रखे थे, यहाँ पर दे रखे, देखो H2SO4 फर्स्ट स्टेप के अंदर H2SO4, सेकंड स्टेप यहाँ पर दे रखा है आपको, ठीक है, बेस। और यहाँ पर हमको देखना है प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर मैकेनिज्म से आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इस रिएक्शन का मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ आपको कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ये यहाँ पर होगा, ये हेलो अमीन्स है, ठीक है। इसके बात करेंगे यहाँ पर तो ये हो गया पिरोलिडिन, ठीक है ना। ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म के बेसिस पर ये भी आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म अपन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिज्म कि रिएक्शन किस प्रकार से ये होगी, ठीक है ना। इसकी बात करें तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये हो गया ये नाइट्रोजन Cl एल्किल ग्रुप, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। और सबसे पहले देखो इसको एसिड से आपने ट्रीट कर रखा है H+, एसिड से ट्रीट करेंगे तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। किसका होगा, देखो ध्यान दें, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, तो ये बेसिक साइट है, तो इसका प्रोटोनेशन इसके द्वारा यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये होगा N, यहाँ पर हो गया Cl, R, यहाँ पर H और यहाँ पर ये H, ठीक है। जैसे इस नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होगा, नाइट्रोजन पर यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक तरह से क्या बन गया, अमोनियम टाइप का केस बन गया। समझ में आ रहा है ना।
क्लियर यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? प्रोटोनेशन इसका यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये केटाइन बन गया एक तरह से, केटाइन नाइट्रोजन पर यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये एसिड का वर्क हो गया, एसिड का, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, ये तो हेलोमीन है, ये हेलो अमीन है, अमीन है, ये देखो ये प्रोटोनेटेड हेलोमीन है, यहाँ पर इसका मैंने प्रोटोनेशन कर दिया तो ये क्या हो गया, ये प्रोटोनेटेड हेलोमीन है, देखो प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड हेलो अमीन, हेलो अमीन, ठीक है ना। तो आपका केस क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। अगर आपको डायरेक्ट ये दे दिया जाए तो यहाँ पर एसिड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है तो ये आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आपको इसका प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर दे रखा है डेल्टा, ठीक है ना, यहाँ पर डेल्टा दे रखा है, डेल्टा का मतलब क्या हो गया भाई, हीट हो गई, तो करने का मतलब इसको गर्म किया। अब यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें मिल सकती है, यहाँ पर डेल्टा भी मिल सकता है, ये आपको फोटॉन्स भी मिल सकता है, ये थर्मली भी अलाउड है, मतलब थर्मल कंडीशन में भी रिएक्शन होते हैं, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में भी, तो यहाँ पर आपको थर्मल या फोटोकेमिकल दोनों कंडीशन मिल सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर आपको मिल सकती है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर नाइट्रोजन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो जब दो हेट्रो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो जैसे इसको थर्मली फोटोकेमिकली ट्रीट करोगे तो इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस सील रेडिकल तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये बनेगा इस तरह से, ये नाइट्रोजन, अब देखो ये तो बाहर निकल गया तो इस पर क्या रह गया, एच रह गया, आर रह गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज इस पर ऑलरेडी था ही सही, साथ में इस पर रेडिकल भी आ गया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जो हाइड्रोजन उसको एजिटेज में यहीं पर लिख देता हूँ इस तरह से, क्लियर ही आता। अब देखो ये केटाइनिक रेडिकल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, देखो केटाइनिक रेडिकल, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी है, नाइट्रोजन पर रेडिकल भी है। जब किसी हेटेरो एटम पर रेडिकल आता है तो वो ऐसे ही हाईली अनस्टेबल होता है, और यहाँ तो साथ में पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है अब ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, कैटाइनिक रेडिकल है। देखो ये कैटाइनिक रेडिकल, कैटाइनिक रेडिकल, रेडिकल ये हाईली अनस्टेबल होता है, देखो हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी एक्चुअली बहुत ही कम है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखो आगे क्या होगा, इस प्रोटॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ये हाईली अनस्टेबल रेडिकल है, इसलिए यहाँ पर देखो ध्यान देना, समझना, यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ, जैसे ये अल्फा बेटा गामा डेल्टा, ये अल्फा बेटा गामा डेल्टा, डेल्टा तो ये डेल्टा प्रोटॉन है, ये डेल्टा हाइड्रोजन है, डेल्टा एच एटम, इस रिएक्शन में एक्चुअली डेल्टा एच एटम ही काम में आता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखो ये प्रोटॉन, ये वाला, ये वाला, ये हो गया, तो यहाँ पर जो डेल्टा प्रोटॉन है वो इस कार्बन से इस नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जैसे ही प्रोटॉन इस पर ट्रांसफर होगा तो यहाँ का रेडिकल यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये एल्किल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा जो कंपेरेटिवली मोर स्टेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सिक्स मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा कुल मिलाकर, यहाँ से यहाँ से यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इस तरह से अपन बना सकते हैं इसको, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर एच आर, और यहाँ पर देखो एच, ये बॉन्ड, यहाँ का बॉन्ड टूटने लगेगा ये, और यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड बनने लगेगा ये इस तरह से, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज एजिटिज यहाँ पर रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गए एक तरह से, सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट ये यहाँ पर बन जाते हैं, सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है ना। इस ऊपर वाले को मिटा देता हूँ मैं, आप ध्यान रखना है फाइव मेंबर रहेंगे, नाइट्रोजन पर एल्किल ग्रुप है, यही प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा आगे, आप याद रखना है इसको मिटा देता हूँ मैं, क्लियर ही यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो देखो हम आगे देखते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आगे सीधा यहाँ पर करते हैं, देखो ध्यान देना ये है ना, ये यहाँ से ले लेता हूँ मैं, इसके आगे की स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना क्या होगा, ये हाइड्रोजन फाइनली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और जैसे यहाँ पर बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा ना, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे देखो आर एच तो ऑलरेडी है ही सही है, आर एच, ये एच भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, यहाँ का एच यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो देखो जैसे एच रेडिकल यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो यहाँ का रेडिकल तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर केवल क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पर केवल क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, और रेडिकल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये एल्किल रेडिकल यहाँ पर बन गया, एल्किल रेडिकल ये मोर स्टेबल है किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो मोर स्टेबल ये यहाँ पर एक तरह से ड्राइविंग फोर्स की तरफ वर्क करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, इससे कंपेरेटिवली मोर स्टेबल रेडिकल्स यहाँ पर बना है, तो एक तरह से ड्राइविंग फोर्स की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। समझ में आ गया। अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर सी एल रेडिकल निकला था, नहीं निकला था सी एल रेडिकल, तो देखो यहाँ पर ये सी एल रेडिकल अब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये हो गया, अब ये हो गया, देखो नाइट्रोजन, इस पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये सी एल रेडिकल यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये क्लियर है। तो ये काम हो गया किसका, इस थर्मल कंडीशन का। आप थर्मल भी ले सकते हो, फोटोकेमिकल कंडीशन भी ले लेते हो, तो देखो सबसे पहले तो प्रोटोनेशन से ये बन गया। अब थर्मली इसको जैसे थर्मली या फोटोकेमिकली ट्रीट करोगे, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या ले रखा है, यहाँ पर बेस ले रखा है, नहीं ले रखा, ले रखा है ना, तो आगे इसको बेस से ट्रीट करो। चलो आगे बेस से ट्रीट करते हैं, यहाँ पर ये बेस, देखो बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पर बेस लाइक OH भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर कर देता OH माइनस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये इस नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर प्रेजेंट प्रोटॉन ऑलरेडी, नाइट्रोजन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और आ गया, जिसकी वजह से इन प्रोटॉन की एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एसिड बेस रिएक्शंस के द्वारा ये यहाँ से निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर अब ये आपको देखने को मिलेगा, ये नाइट्रोजन, अब एक प्रोटॉन निकल ही गया, तो इस पर क्या बचा, ये और ये एल्किल ग्रुप। समझ में आ रहा है। इस पर दो लोन पेयर है ही से, ये भी और ये यहाँ पर सी एल है ना, यहाँ तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं था, पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जैसे एच प्लस निकलेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, लोन पेयर। अब देखो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर आने के कारण ये बेसिक साइट हो गई, साथ में न्यूक्लियोफिलिक साइट भी हो गई, और ये एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्सट्रेट। तो कुल मिलाकर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा ये। अब इस नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट, हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप। जैसे इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग यहाँ से होगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है। बेस प्रेजेंट है ही सही, तो कुल मिलाकर ये बेस क्या करेगा, यहाँ से इस एच को निकाल देगा। समझ में आ रहा है। बेस इस एच को निकाल देगा, इस एच को निकालने के बाद यहाँ पर कुल मिलाकर ये कंपाउंड बनेगा। अब नाइट्रोजन पर केवल क्या प्रेजेंट है, एल्किल ग्रुप, हम इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, देखो ये यहाँ पर हो गया, ये समझ, पिरोलिडीन, यहाँ पर क्या बन गया, पिरोलिडीन, ये इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो कुल मिलाकर किस प्रकार से रिएक्शन हुई है मेरे साथ, अच्छी तरह से आपके अब समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, इसकी पूरी मैकेनिज्म आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो फिर समझना, अगर आपको हेलो अमीन्स दे रखे हैं तो आपको एसिडिक कंडीशन भी दी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, जब प्रोटोनेशन होगा तभी प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स का फॉर्मेशन होगा, और हाफमान लोपलर क्रेटेज रिएक्शन में प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स ही हम काम में लेते हैं, जिसको फोटोकेमिकली थर्मली ट्रीट करने के बाद फाइनली हमको पिरोलिडीन बनता है, हालांकि यहाँ पर बेस भी काम में हम लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। नाइट दो हेटरेटम के बीच बॉन्ड है, इसलिए इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज इजीली हो जाता है, ये हाईली अनस्टेबल रेडिकल होता है, कैटाइनिक रेडिकल, इसलिए ड्राइविंग फोर्स की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट के बाद मोर स्टेबल एल्किल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है। आगे सी एल रेडिकल से ये बन गया, उसके बाद का सारा प्रोसेस आपके क्लियर हो गया होगा। जैसे बेस से ट्रीट करोगे, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक साइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, सिंपल ये बनेगा, फिर बेस इस प्रोटॉन को निकाल देगा, जिससे पिरोलिडीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब एक बार समझने की कोशिश करना, यहाँ पर देखो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, पूरी मैकेनिज्म तो आपके क्लियर हो ही गई होगी। अभी केवल एक ही टाइप का यहाँ पर मैंने डेल्टा एच शो किया है, देखो ये डेल्टा एच है, अल्फा बेटा गामा और ये डेल्टा एच है, ये प्रेजेंट होना जरूरी है, यहाँ पर देखो अल्फा बेटा गामा डेल्टा, ये डेल्टा एच, देखो मस्ट बी प्रेजेंट,
मस्ट बी प्रेजेंट। अब देखो कुल मिलाकर यहाँ पर जितने भी, यहाँ पर देखो इस कार्बन पर तीन एच है, ये तो मेथिल ग्रुप एक तरह से, थ्री एच यहाँ पर एक जैसे है, आपकी मर्जी पड़े जिस एच को आप काम में ले सकते हो। लेकिन सपोज करो किसी कंपाउंड में टू और मोर देन टू टाइप्स के डेल्टा एच प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आप कौन से डेल्टा एच को काम में लोगे, समझ में? जैसे ये केस है, इसमें देखो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ भी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पर भी है, तो डेल्टा एच यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग प्रकार का डेल्टा एच है, तो उस कंडीशन में कौन से डेल्टा एच को काम में लोगे। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, आपको देखना है कि यहाँ पर देखो रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्किल रेडिकल, आप क्या करोगे कि डेल्टा एच को हटाओ, डेल्टा एच को हटा पर वहाँ पर रेडिकल से बना दो। अब जिस हाइड्रोजन को हटाने के बाद मोर स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, आप उसको निकालोगे। ध्यान देना मैंने क्या बोला, जिस हाइड्रोजन को, जिस डेल्टा एच को रिमूव करने के बाद मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा, आप उसको निकालोगे। जिसे समझना, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एच, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एच ये 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, हमको पता है कि यहाँ का एच निकलेगा तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहाँ का एच निकलेगा तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, कुल मिलाकर ये डेल्टा एच जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, इस तरह से डिसाइड आप कर सकते हो। जैसे और भी केस में आपको लेकर बताता हूँ, जैसे इसमें इधर तो डेल्टा एच है ही नहीं, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है ड्यूटेरियम भी है, अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में से आप किसी को निकाल दो, हाइड्रोजन को निकालोगे तो रेडिकल यहाँ पर आएगा, इसको हाइड्रोजन को निकालने के बाद ड्यूटेरियम को इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो भी रेडिकल यहीं पर आएगा, मतलब दोनों केस में ऑलमोस्ट सेम रेडिकल बनेगा, स्टेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन ध्यान देना, ऐसे केस में हम यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, अपन को पता है कि ये सी एच बॉन्ड है, ये सी डी बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड सी डी बॉन्ड के कंपेरिजन में वीक होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, ड्यूटेरियम नहीं जाएगा, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं अपन के रिएक्शन के दौरान यहाँ पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए कुल मिलाकर इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये जो डेल्टा एच है वो स्टेरियो केमिकल अप्रोचेबल होना चाहिए, मतलब एक तरह से प्रॉक्सिमिटी पोजिशन होनी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी पोजिशन नहीं होगी, मतलब सेम सिमेट्री इसकी और इसकी सेम सिमेट्री नहीं होगी, तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बनेगी, तो रिएक्शन भी नहीं होगी। एग्जांपल के लिए यहाँ पर समझा सकता हूँ, देखो ध्यान देना, ये नाइट्रोजन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अब देखो ये वेज पर है, ये भी वेज पर है, दोनों वेज पर है तो सेम सिमेट्री आ गया ना, सेम सिमेट्री आ गया तो इसकी रिएक्शन इससे हो जाएगी, कहने का मतलब यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है, प्रॉक्सिमिटी पोजिशन ये, समझ में आ रहा है ना? आगे क्वेश्चन को सोल्व करवा के देखेंगे तो सब कुछ आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, इन सभी को अपन सोल्व करके देखेंगे। मेरे हिसाब से सभी ने नोट कर लिया होगा, किसी को यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, मिटा दो इसको कंप्लीट, मिटा दो, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। चलो इधर देखो, देखो ध्यान देना, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पर लिख देते हो इंपॉर्टेंट करके, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि आपको किन किन पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है ना? देखो सब कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कंडीशन, कंडीशन से यहाँ पर क्या हो सकते हैं भाई, देखो फोटोकेमिकल भी हो सकते हैं या फिर थर्मल कंडीशन हो सकते हैं, दोनों कंडीशन में रिएक्शंस होते हैं। रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पर है देखो प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड है ना, हेलो अमीन्स, हेलो अमीन्स ये यहाँ पर रिएक्टेंट है, प्रोटोनेटेड हेलो अमीन्स। प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा भाई, ठीक है ना, प्रोडक्ट यहाँ पर होगा पिरोलीडिन्स, पिरोलीडिन्स ये प्रोडक्ट होगा, समझ में आ रहा है ना? रिएक्शंस के दौरान क्या बनती है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना? और देखो प्रॉक्सिमिटी पोजिशन पे डेल्टा एच प्रेजेंट होना चाहिए, देखो डेल्टा एच must be present at proximity position of नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम की प्रॉक्सिमिटी पोजिशन पे डेल्टा एच प्रेजेंट होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? अगर टू और मोर देन टू डेल्टा एच प्रेजेंट है तो उस डेल्टा एच को रिमूव करना है, जिस बॉन्ड के टूटने से मोर स्टेबल एल्किल फ्री रेडिकल बने, ठीक है ना? तो देखो इफ टू और मोर देन टू डेल्टा एच
डेल्टा एच इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, प्रेजेंट देन, देन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मोर स्टेबल एल्किल फ्री रेडिकल, मोर स्टेबल एल्किल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एज फॉर्म्ड, एज फॉर्म्ड। अगर टू और मोर देन टू डेल्टा एच प्रेजेंट है तो आपको क्या बनाना है, जो मोर स्टेबल एल्किल फ्री रेडिकल है वो आपको बनाना है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या? ये पॉइंट्स बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के बेसिस पर हम बाकी एग्जांपल्स को भी यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। इसको मिटा दो कंप्लीट, कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना? अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि किन किन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है, और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम सारे एग्जांपल्स को, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके भी देखेंगे। देखो सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर इस केस में क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, समझना क्या होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर, चलो यहाँ से शुरू कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एसिड है, एसिड से इसका, अच्छा पूरी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, देखो ध्यान देना, ये अल्फा, यहाँ पर बीटा, गामा और ये डेल्टा। अब यहाँ पर देखो दो तरह के बॉन्ड है, देखो सी एच बी और सी डी बी है, समझ में आ रहा है ना। जब सी एच और सी डी दोनों प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट है तो देखो ध्यान देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो अपन को पता है कि सी एच बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक होता है, या कहते सी डी बॉन्ड कंपेरेटिवली स्ट्रांग होता है, किससे? सी एच, क्योंकि अपन को पता है कि चाहे सी एच बॉन्ड टूटे चाहे सी डी बॉन्ड टूटे, रेडिकल तो यही पर आएगा, इसी कार्बन पर। ऑलमोस्ट सी एच या सी डी किसी बॉन्ड को तोड़ दो, बनने वाला रेडिकल ऑलमोस्ट सेम स्टेबिलिटी वाला होगा, स्टेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में कुल मिलाकर सी एच और सी डी बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ को अपन देखेंगे। बॉन्ड, जो बॉन्ड वीक होगा वो बॉन्ड आपको यहाँ पर ब्रेक करना है। तो देखो ध्यान देना, सी एच बॉन्ड सी डी बॉन्ड के कंपेरिजन में वीक है, तो कुल मिलाकर आपको इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना है, मतलब हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर अलग से बताता हूँ, अलग से किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एम ई, यहाँ पर नाइट्रोजन, एम ई सी एल, और यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये हाइड्रोजन और ये ड्यूटेरियम। मतलब देखो कैसे करना है, सबसे पहले एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में इसका प्रोटोनेशन होगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ में आ रहा है। फिर देखो नेक्स्ट थर्मल कंडीशन दे रखे, थर्मल कंडीशन में किसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा और यह सी एल रेडिकल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कैटाइनिक रेडिकल बन गया। अब देखो यहाँ पर जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा हो गया, डेल्टा एच है और सी एच बॉन्ड वीक है, तो डेल्टा एच कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिस्टेट के थ्रू नाइट्रोजन पर, तो यहाँ का एच ट्रांसफर हो गया भाई यहाँ पर, और यहाँ पर रेडिकल आ गया। अब इस रेडिकल से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर सी एल, ये यहाँ पर सी एल जुड़ गया, ठीक है ना। अब देखो आगे बेस, इसमें बेस दे नहीं रखा लेकिन बेस लेना पड़ता है, चाहो तो अपन लिख भी सकते हैं। आगे जो भी आप बेस यहाँ पर लोगे वो बेस क्या करेंगे, वो बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल देगा, तो यहाँ का पॉजिटिव खत्म, यहाँ पर ये यह बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कटेक यहाँ पर होगा और यहाँ से सी एल बाहर निकल जाएगा, तो कुल मिला के इस नाइट्रोजन और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो सी एल यहाँ से बाहर निकल गया। अब इस नाइट्रोजन और इसके बीच क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया ये, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आते क्या होगा, ये हो गया ना पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव आते क्या है, आगे जो बेस होगा, बेस इस प्रोटॉन को निकाल देगा, कुल मिलाकर ये कंपाउंड बनेगा और यहाँ का पॉजिटिव खत्म। तो कुल मिला कितने मेंबर रिंग बन गई, ये 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर रिंग बन गई, जिसमें नाइट्रोजन पर मेथिल ग्रुप है और नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन पर मेथिल ग्रुप और ड्यूटेरियम होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा एक्चुअली वो ये बनेगा, ये फाइव मेंबर रिंग, नाइट्रोजन पर क्या है मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप। अब नाइट्रोजन के पास वाले कार्बन पर एक तो मेथिल है, दूसरा ग्रुप क्या है यहाँ पर ड्यूटेरियम है, दूसरा यहाँ पर ड्यूटेरियम है ना, इस तरह से लिख देता है, ये मेथिल और ये यहाँ पर ड्यूटेरियम, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। अब समझ में आ गया होगा कैसे बना, तो पूरी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, आप कुल मिलाकर क्या है कि डेल्टा एच कोटा दो, यहाँ पर डेल्टा एच था ना वेज पर, उस डेल्टा एच कोटा दिया, जो भी बॉन्ड टूटेगा उस एच कोटा दो, नाइट्रोजन से हेलोजन को हटा दो, दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, फाइनली कुछ नहीं करना। देखो ध्यान देना, फिर समझना, इसको हटा दिया डेल्टा एच को और
नाइट्रोजन से हेलोजन को हटा दो और दोनों इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना दो, यही आपका प्रोडक्ट होगा। समझ गए क्या करना है? डेल्टा एच को हटाया, नाइट्रोजन से हेलोजन को हटाया, दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, वही आपका प्रोडक्ट होगा। और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। क्लियर है मेरे हिसाब से? सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, इस केस में क्या होगा, ठीक है ना? देखो ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा, चलो इसको मैं अलग से लिख कर बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ये हो जाएगा नाइट्रोजन, इस पर Cl और यहाँ पर ये। अब देखो ध्यान देना, वो सब कुछ अपन को पता है कि पहले वही प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पर कैटायनिक रेडिकल बनेगा, फिर डेल्टा एच यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर जो एल्किल फिर रेडिकल बनेगा उस पर Cl आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा आएगा बाद में, उस हाइड्रोजन को वहाँ पे बेस यहाँ से बाहर निकाल देगा, वो सब कुछ अपन को पता है। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा जिससे Cl निकल जाएगा, फाइव मेंबर रिंग बनेगी, वो सब कुछ ऑलरेडी अपन को पता है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपन को फाइनली क्या याद रखना है कि आपको डेल्टा एच को हटाना है, Cl को हटाना है, दोनों के बीच बॉन्ड बनाकर फाइव मेंबर रिंग आपको बनानी है। तो देखो ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एच, डेल्टा ये डेल्टा एच है, इधर देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पर ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच, समझ में आ रहा है? डेल्टा एच। लेकिन ध्यान देना, जब इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओगे आप, हटाते यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल्स बनेगा, ठीक है ना? तो जैसे आप इस बॉन्ड को हटाओगे तो यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, देखो फॉर्म्ड 2 डिग्री फ्री रेडिकल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और जब इसको हटाओगे तो यहाँ पर रेडिकल बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, तो देखो यहाँ पर फॉर्म्ड 1 डिग्री फ्री रेडिकल, समझ में आ रहा है ना? फॉर्म्ड 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्लियर यहाँ तक? तो कुल मिला के 2 डिग्री अपन को मोर स्टेबल पता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, फॉर्म 2 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, मोर स्टेबल। और इसके कंपेरिजन जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा वो कौन सा होगा? लेस स्टेबल। अब आपको कौन सा बनाना है भाई? आपको मोर स्टेबल बनाना है, लेस स्टेबल नहीं बनाना। मतलब कुल मिलाकर इस डेल्टा एच को आपको काम में लेना है, इस वाले को आपको काम में नहीं लेना। तो कुल मिलाकर क्या करना है, यहाँ से डेल्टा एच कटाओ, यहाँ से Cl कटाओ, दोनों के बीच बॉन्ड बना दो, यही प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट है, देखो H2SO4 डेल्टा, और बेस भी काम में लेते हैं, इसमें दे नहीं रखा लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी दे रखा तब भी आपको ट्रीट करना है, प्रोडक्ट आपको कंप्लीट ही बनाना है। तो देखो इसके इसके बीच बॉन्ड बनाना है, तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 फाइव मेंबर रिंग आपको बनानी है, ये फाइव मेंबर रिंग यहाँ पर बन जाती है। अब देखो ध्यान देना, इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी, इस कार्बन पर क्या एक मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप जोड़ दिया नाइट्रोजन के पास वाले कार्बन पर। अब देखो इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी, तो नाइट्रोजन पर कौन सा ग्रुप बचा? ये वाला ग्रुप बचा। अब ये कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा C4H9, ये ग्रुप। यह चाहिए तो आप ओपन चेन के फॉर्म में भी इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर बन जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा किस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को इसमें नहीं होगा। मिटा दो इसको, कंप्लीट मिटा दो ना, कोई डाउट तो नहीं ना? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल से यहाँ पर लेकर देखते हैं, जैसे नेक्स्ट केस ये वाला है, ये वाला इसको लेकर देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, यहाँ तो गामा एच है ही नहीं इधर का, तो छोड़ो, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पर तो डेल्टा एच है ही नहीं इधर, तो इधर देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये डेल्टा एच है, ये यहाँ पर अल्फा बीटा गामा गामा डेल्टा, ये डेल्टा एच है। तो कुल मिलाकर इसे एच कोटाओ और ये सी एल कोटाओ नाइट्रोजन वाले को, और दोनों के बीच बॉन्ड बना दो। तो डायरेक्ट ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइव मेंबर रिंग, ठीक है ना? इस हाइड्रोजन कोटाया, इस सी एल कोटाया, इस नाइट्रोजन इस कार्बन के बीच बॉन्ड बना दे, तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव मेंबर रिंग बन जाएगी। नाइट्रोजन पर कौन सा ग्रुप है? 1, 2, 3 कार्बन है, तो नाइट्रोजन पर यहाँ पर 3 कार्बन है, तो एज इट इज बना दो इस तरह 1, 2, 3, ये प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बनाया, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? नेक्स्ट केस देखते हैं, चलो ये वाला केस डायरेक्ट ही बना देते हैं यहाँ पर। देखो ध्यान देना, ये अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, डेल्टा एच ये वाला डेल्टा एच, समझ में आ रहा है ना? तो देखो ध्यान देना, वही पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर यहाँ पर फोटोलिसिस होगा एक तरह से इसका, ठीक है ना, NCl बॉन्ड का,
ठीक है, आगे वही कैटाइनिक रेडिकल बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी, सब कुछ होगा, फाइनली बेस से ट्रीट करोगे, फाइनली प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। देखो ध्यान देना, कुल मिला के डेल्टा एच को हटाना है, यहाँ से जो भी हेलोजन है उसको हटाना है, दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। देखो ये हो गया, यहाँ पर ये तो पिरिडीन, ठीक है, यहाँ पर ये इधर क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो इस कार्बन इस नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, और नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, मेथिल ग्रुप, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ये प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा कैसे बना, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा, क्लियर यहाँ तक भाई, मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को नहीं होगा, सबके अच्छी तरह से समझ में ये आ गया होगा, क्लियर है। मिटा दो इसको, मिटा दो यहाँ तक, कर ले सभी ने नोट। अब देखो नेक्स्ट केस लेकर यहाँ पर देखते हैं, बने देखो समझना यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, समझ में आ रहा है ना, देखो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो ये वेज पर ये वेज पर रहते प्रॉक्सिमिटी ग्रुप है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, प्रॉक्सिमिटी ग्रुप है। देखो यहाँ पर इस कंपाउंड को अलग से बनाकर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, देखो पहले तो मैं कंपाउंड का एजिटेज बना रहा हूँ ताकि आपको समझाना मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाए और आपको भी ईजिली यहाँ पर समझ में आ जाए, क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद फिर आपको इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। देखो ध्यान देना क्या है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप, यहाँ पर क्या है भाई, डैश पर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्या है वेज पर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर क्या है डैश पर हाइड्रोजन एटम, समझ में आ रहा है, यहाँ पर वेज पर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ पर डैश पर हाइड्रोजन एटम, सब जगह देखो ये डैश हो गया, ये वेज हो गया, ये डैश हो गया, ये वेज हो गया, ये डैश हो गया, और यहाँ पर वेज पर मेथिल ग्रुप। अभी मेथिल ग्रुप को मैं यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर ये वेज, वेज पर ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये बना दिया पूरा मैंने कंप्लीट यहाँ पर, आगे यहाँ पर देखो शुरुआत कहाँ से करके, NBS से शुरुआत कहाँ से करके, NBS। अब देखो यहाँ पर मैं केवल इस चीज़ को बनाकर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ये केवल ऊपर वाला, नीचे वाले पे कुछ रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो इसको मैं एजिटिज छोड़ दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, सब जानते हो ये क्या होता है, ठीक है ना, ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड होता है। तो देखो ध्यान देना, जब इसकी रिएक्शन आप NBS से कराओगे ना, तो यहाँ पर ये ब्रोमीन को ट्रांसफ़र करेगा। अब ध्यान देना, इस पर लोन पेयर है, कुल मिलाकर यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, इसका मतलब यहाँ से BR+ जाएगा, इस पर यहाँ से BR+ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, ये BR+ यहाँ पर चला जाएगा इस पर, इस पर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मैं केवल इतना सा बना दो, यहाँ से चलो यहाँ से देखो इतना सा बना दो, देखो ये यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, आगे इसको रन दो और इसको भी कर दो आगे, ठीक है, और ये यहाँ पर देखो ये वेज, वेज पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर मेथिल ग्रुप है इसे, हाइड्रोजन यहाँ पर है इसे, और BR यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से BR यहाँ पर, तो देखो ये BR यहाँ पर, BR ट्रांसफ़र होते यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप है ये, तो कुल मिलाकर ये CH2 और यहाँ पर ये H, ऐसे कर देते। अब देखो यहाँ पर ये आगे पूरी रिंग है कम्प्लीट, ये नीचे वाली जैसे एजिटिज रहेगी, मैंने केवल थोड़ा सा ईजी रहे, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर जल्दी बन जाए, इसलिए केवल ऊपर वाला पार्ट बना दे जहाँ पर रिएक्शन हो रही है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, ये वही प्रोटोनेटेड है ना, हेलो अमीन्स हो गया, अब ये अल्फा, ठीक है, ये बीटा, एक मिनट, इसमें यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन इस पर है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देखो ये है ना, यहाँ पर एक गलत बन गया, नाइट्रोजन इस पर है, यहाँ पर है ना, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन और इस पर मेथिल और हाइड्रोजन है, ये प्रोटोन, ये BR यहाँ पर ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन पर, ये यहाँ पर, चलो यहाँ पर बना देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पर क्या है, मेथिल ग्रुप है, नाइट्रोजन पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या गया, नाइट्रोजन पर BR आ गया ये, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो आपको कुछ नहीं करना आगे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ से BR जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये अल्फा, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, और ये डेल्टा हो गया,
तो देखो डेल्टा एच को निकालो, नाइट्रोजन हैलोजन को निकालो और दोनों के बीच आप बॉन्ड बना दो, यही प्रोडक्ट होगा। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे मैकेनिज्म वगैरह वो एक बार अपन ने समझ लिए, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर अपन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, हाँ इसको इस तरह से बना देता हूँ, देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर इस तरह से बनाया ना अपन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पर ये वेज, ठीक है, और यहाँ पर ये वेज, वेज पर क्या है, यहाँ पर देखो इस पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन, यहाँ से तो बी आर कोटाना है, यहाँ से एच कोटाना है और दोनों के बीच अपन को बॉन्ड बनाना है, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बना दिया। अब नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, मेथिल ग्रुप, तो नाइट्रोजन पर मेथिल ग्रुप है, एजिटेजा बना दी, ये प्रोडक्ट बनेगा। आगे जो भी नीचे रिंग बनी हुई है वो एजिटेज नीचे रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। कुल मिला के प्रोडक्ट बनाने के लिए इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। वो यहाँ पर मैंने बनाकर आपको बता दिया, मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमको एक्चुअली क्या करना है। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, समझ में आ गया कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है ना। फाइनली क्या करना है, इस नाइट्रोजन के बीच और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना है, प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर यहाँ तक? इसको मिटा दो, मिटा दो कंप्लीट, कोई डाउट नहीं होगा, सबके अच्छी तरह से समझ में ये आ गया होगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लेकर हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट केस क्या है, ये वाला हो गया, ये वाला देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन, इस पर बी आर और यहाँ पर यह हो गया। देखो ध्यान देना, समझना, इस केस में आपको क्या करना है, देखो ये अल्फा, बेटा, गामा और ये डेल्टा एच, ये डेल्टा, तो ये डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एच, ठीक है ना। देखो सब कुछ अपन को पता है कि वही पहले एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा, फिर यहाँ पर फोटोलिसिस होगा, उसके बाद आगे की रिएक्शन होगी, सब कुछ अपन को पता है। अपन को तो क्या करना है, डेल्टा एच कोटाना है, ठीक है, नाइट्रोजन पे से हैलोजन कोटाना है और प्रोडक्ट बनाना है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस रिएक्शन का। तो देखो ध्यान देना, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पे से हैलोजन कोटा दो और डेल्टा एच कोटा दो और इसके और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना दो। जब इसके और इसके बीच बॉन्ड बनेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी यहाँ पर। तो देखो ये 5 मेंबर, ये और कोई ग्रुप इधर उधर जुड़ा ही नहीं, नहीं जुड़ा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट यही होगा। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पर नहीं होगा, क्लियर है। देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर लेकर देखते हैं, ये वाला, इसमें क्या बनेगा, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। कितने 7 मेंबर रिंग है ना, तो यहाँ पर हम बना देते हैं सबसे पहले 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या है, CH3 और यहाँ पर Br। अब देखो इधर तो कोई डेल्टा एच है नहीं, इधर चलेंगे ऊपर, तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एच है, ये डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा एच है, ये वाला काम आएगा। तो कुल मिलाकर क्या करना है, नाइट्रोजन से Br कोटाओ और यहाँ से डेल्टा एच कोटाओ और दोनों के बीच बॉन्ड बना दो। कुल मिला के नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ईजी रहेगा समझाना मेरे लिए, और जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इस तरह से देख लेते हैं, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या है यहाँ पर CH3, ये नाइट्रोजन पर CH3, नाइट्रोजन पर क्या है Br। अब यहाँ से अपन को देखना है, देखो कैसे, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये डेल्टा एच, ये डेल्टा, ये डेल्टा एच, तो कुल मिला के डेल्टा एच कटाओ, यहाँ से Br कटाओ, दोनों के बीच बॉन्ड बना दो। कुल मिला के इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये होगा, इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं। देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर कौन सा ग्रुप है, CH3, और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किससे होगी, इस कार्बन से होगी, ये प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। समझ में आ गया किस तरह से रिएक्शंस कराइए, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा एच कोटा कर उसकी बॉन्डिंग हमने किससे करा दी, नाइट्रोजन से करा दी, क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या?
है ना, ये सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बात करते, चलो इनके भी बात कर लेते, पहले इनको मिटा देता हूँ, मिटा दे इनको कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है ना। अब अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गए होंगे कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो इस केस में क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, चलो यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ अलग से, ठीक है। यहाँ पर यह नाइट्रोजन और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। अब देखो ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो ये डेल्टा H है ये। अब करना क्या है, देखो ध्यान देना, वही सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पर तो क्या Cl है ना, Cl ये देखो वही सबसे पहले एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन होगा, फिर फोटोलिसिस होगा, सब कुछ सेम है वो अपन को पता है। आपको तो फाइनली क्या करना है, आपको फाइनली डेल्टा एच को टन है, नाइट्रोजन से सीएल को टन है, दोनों के बीच बॉन्ड बनाना है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले यहाँ पर ये बन जाएगा ये, ठीक है। ये नाइट्रोजन इसको अंदर ले लेता हूँ मैं, ये नाइट्रोजन इस पर क्या प्रेजेंट है, CH3 है, और इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये 6-membered ring, ये 6-membered ring, और इस 6-membered ring पर क्या ये ब्रिज है, ये ब्रिज, ये ब्रिज, और इस ब्रिज पर क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये यहाँ पर A बनेगा, A देखो यहाँ पर K2CO3 जो पोटेशियम कार्बोनेट दे रखा है वो एक्चुअली बेस की तरह वर्क कर रखा है। यहाँ पर बेस दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर बेस क्या ले रखा है, पोटेशियम कार्बोनेट, बेस होता है अपन को पता है ये। तो ये जो रिएक्शन है होपमान लोपलर प्रेटेज रिएक्शन, वो रिएक्शन तो हो गई, वो रिएक्शन ही है ये। आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर CH3I मेथिल आयोडाइड को एक्सेस में दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है, तो यहाँ पर अमोनियम साल्ट बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो Ag2O डेल्टा दे रखा है, मतलब होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आगे जब अपन बात करेंगे, यहाँ पर देखो CH3I एक्सेस और आगे दे रखा है, देखो यहाँ पर ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया एक तरह से, और कहाँ पर गया ये Ag2O, ये सेकेंड स्टेप डेल्टा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, होपमान डिग्रेडेशन। सब जानते होंगे ऑलरेडी, समझ में आ रहा है ना, क्लियर यहाँ तक। देखो होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा समझना, मैं अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको यहाँ पर कि एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर। देखो ध्यान देना, सबसे पहले इसका अमोनियम साल्ट बनेगा, देखो यहाँ पर इसको मैं चलो यही पर कर देता हूँ एक्सप्लेन, या यहाँ पर आएगा नहीं ना, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से रिएक्शन होगी यहाँ पर, ये नाइट्रोजन, ये CH3, देखो जब CH3I एक्सेस से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहले अमोनियम साल्ट बनता है, यही से शुरू कर दो डायरेक्ट। जब इसकी रिएक्शन इससे होगी तो यहाँ पर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा ये। अब इसकी रिएक्शन बेस से करवानी है, यहाँ पर देखो ये बेस यहाँ पर है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है ना, डेल्टा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से देखो यहाँ से तोड़ दे इस बॉन्ड को, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। ये एक्चुअली मोर एसिडिक बीटा एच जाता है, अभी चाहे एच यहाँ से निकालो, चाहे एच यहाँ से निकालो, चाहे एच यहाँ से निकालो, यहाँ से बेटा एच चाहे यहाँ से निकालो, एक ही बात है, क्योंकि अभी तो सारे एच सेम है ना, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बेटा ये है, अल्फा बेटा ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा बेटा एच, तो सारे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितने भी एच प्रेजेंट है वो एक जैसे है, इसलिए अभी यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। किसी भी एच को निकाल लो, डिफरेंट टाइप के एच हो तो मोर एसिडिक बेटा एच को यहाँ पर निकालते हैं, तो ये बेटा एच है, बेटा एच। तो यहाँ से बेटा एच को निकालो, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये होगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना क्या होगा, ये यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है ये दूसरा CH3, दूसरा CH3, ठीक है ना, ये यहाँ पर बन गया। अब वापिस क्या होगा, देखो ध्यान देना, फिर CH3I एक्सेस में है तो वापस ये फिर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट होगा। तो देखिए CH3I ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट होगा,
ये डबल बॉन्ड, या यहाँ पर एन सी एच थ्री, सी एच थ्री और सी एच थ्री, ये क्वार्टन एमोनियम साल्ट में कन्वर्ट होगा सी एच थ्री आई के प्रेजेंट में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर ये एच जाएगा बेटा एच और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा देखो इस तरह से, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, एक डबल बॉन्ड ये एक ही है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो होपमैन डिग्रेडेशन एक बार देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। मेन इस रिएक्शन में जो होता है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर ही दिया, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा कि पहले ये कॉटन एंड अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है इस रिएक्शन करके इसमें, ठीक है। यहाँ पर मोर एसिडिक बीटा एच जाएगा और इस बॉन्ड को तोड़ना है, ये लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, डबल बॉन्ड आएगा, फिर सी एच थ्री आई से रिएक्शन करके वापस कॉटन या अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट होगा, फिर मोर एसिडिक बीटा एच जाएगा और ये लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। ये कुल मिलाकर ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये यहाँ पर बी हो गया। अब देखो आगे रिएक्शन कर रखी डी डी क्यू से, डी डी क्यू, ठीक है, डाइक्लोरोडाइसाइनो क्यूनोन, पता ही से डी डी क्यू आप जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है ना, ये डी डी क्यू डाइक्लोरोडाइसाइनो क्यूनोन, ये ठीक है, सी एल सी एल सी एल सी एल, ये डी डी क्यू, डी डी क्यू यहाँ पर क्या करेगा, सिस्टम में एरोमेटाइजेशन कर देगा, एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन, तो कुल मिलाकर यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बेंजीन, क्लियर है, ये यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इस केस की बात करते, ठीक है ना, देखो इस केस में क्या होगा वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये वेज पर है तो इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये अल्फा नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा, ये यहाँ पर बीटा, ये गामा और ये डेल्टा है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ से सी एल को निकालो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ सी एच टू एच, यहाँ से एच को निकालो और कुल मिलाकर क्या करो, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना दो, यही आपका प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसका मैं प्रोडक्ट यहाँ पर बनाकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है। ये यहाँ पर हो जाएगा भाई, और इधर ये फाइव मेंबर रिंग, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वेज पर दे रखा है, वेज पर यही पर है, वेज पर, ठीक है, यहाँ पर भी वेज पर दे रखा है, इस पर ये नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी, तो ये हो गई। नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, सी एच थ्री प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन पे तो सी एच थ्री आ गया ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये सी एच थ्री, ठीक है, और इस कार्बन पर क्या है, सी एच थ्री एच है, एच डैश पर है, एज इट इज लिखो डैश पर एच, और यहाँ पर प्लेन में सी एच थ्री एज इट इज आप लिखो, ये जैसा ही वैसा वैसा ही बना दो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। तो कुल मिला के इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बना वो भी अब अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो देखो अब होपमैन लोपलर फ्रेटेज रिएक्शन से रिलेटेड सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा, है क्या डाउट, नहीं है, क्लियर, यहाँ तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, चलो करो नोट।